तो आज हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं। तो फ्रेंड पिकनिक के लिए ये अच्छी जगह है, तो यहाँ पे सामान रख लेते हैं और पिकनिक मनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड पिकनिक में हम पुलाव बनाएंगे, और तो सबसे पहले सब्जियाँ काटना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड पुलाव में हम फूलगोभी, मटर, टमाटर, गाजर और आलू डालेंगे। तो फ्रेंड यही पास में एक नल है, वहाँ से पानी भर के लेके आते हैं। हमारा पानी खत्म हो चुका है और भी पानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो तेल डाल लेते पहले। तो तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा डाल लेते हैं। अब इसमें प्याज और टमाटर डाल देते हैं। अब इसमें गाजर डाल देते हैं और मटर और हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम बाकी मसालों को डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डाल देते हैं।
और ये है जीरा लौंग इलायची मिक्स पाउडर, इसको भी आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं। और ये है सब्ज़ी मसाला पाउडर, इसको थोड़ा आधा चम्मच डाल लेते हैं। इनको थोड़ा सा मिला लिया है, अब इसमें आलू और फूलगोभी को भी डाल देते हैं। तो हमने मसालों के साथ सब्ज़ी को थोड़ा सा फ्राई किया है, अब इसमें पानी डाल देते हैं। अब पानी थोड़ा उबलने लगा है, अब इसमें चावल डाल देते हैं। तो चलिए अब इनको ढक देते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पुलाव बनके तैयार है कि नहीं। देखिए पुलाव बनके तैयार है। तो अब रख देते हैं थोड़ी देर और पेट वेट धो लेते हैं, फिर खाना शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम पुलाव खाना शुरू करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। तो फ्रेंड हमने पुलाव बना भी लिया है और खा भी लिया है, तो चलिए सारा सामान लेके फिर घर चलते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।